यह है पिशा में सूबाई असम्बली का हल्का PK76 जहां इलेक्शन कमीशन के वाज अहकाम के बावजूद तरक्याती काम जारी है। अफगान कॉलोनी के इस इलाके में गलियों को पुख्ता किया जा रहा है। मुकामी हुकूमत की नुमाइंदों की दीदो दिलेरी देखिए कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का खौफ है न ही मीडिया का कोई डर। इस हल्के से साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहम्मद आसिफ PTI के उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि इस इलाके में तरक्याती कामों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। WCSP का अपना डोमेन है, उसमें साइड वाल वगैरह कुछ गिरी होगी तो इमरजेंसी में तो वो काम करते हैं ना MNR फंड में WCSP वाले। लेकिन मुखालिफिन इस बात पर मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जियाउल्लाह अफरीदी इन तरक्याती कामों को प्री पोल धांधली करार दे रहे हैं। तरक्याती कामों के हवाले से कंप्लेंट जमा की हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात की, लेकिन पता नहीं क्या ये समझ नहीं आ रही कि किस साजिश के तहत पाबंदी के बावजूद भी अभी भी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे सरकारी फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इस पे हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। 50-60 एक्सीवेटर जो है अमीर मुकाम साहब के वहाँ लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन सो क्यों रहा है, उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें। जहाँ कहीं भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। दिलचस्प अमर तो यह है कि PTI के रहनुमा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और तरक्याती कामों का मलबा मुखालिफ उम्मीदवारों पर डाल रहे हैं। गलियों की पुख्तगी बेशक इलेक्शन कमीशन के अहकाम की कुलम कुल्ला खिलाफ फर्जी है, लेकिन आवाम इस पर खुश है कि इनका दीरीन मुतालबा तो पूरा हुआ। कैमरामैन नौर खालिद और नासिर नईम के साथ नुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।